नमस्कार, मैं सालिनी। आज मैं आपको आम का अचार बनाना बतलाऊंगी। इसके लिए सबसे पहले तो आम को लेना है और उसे वहीं पर कटवा लेना है। वहीं पर लोग काट कर देते हैं, कटवा लेना है। कटवा लेने के बाद आम को जब घर लाते हैं तो उसे अच्छी तरह से पानी से धो लेते हैं। खूब अच्छी तरह से धो लेने के बाद कटे हुए आम को 1 घंटे पानी में डालकर इस तरह से छोड़ देना है। अब इसे 1 घंटा जब हो जाए तो इसका जो एक लिक्विड होता है आम में, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि लोग कच्चे आम अगर इसी तरह से बिना पानी में डाले खा लेते हैं तो उनके मुंह में दाने निकल जाते हैं, तो वो लिक्विड इसमें पानी में डाल देने से निकल जाता है, जिसको आम तौर पर लोग कहते हैं कि आम का लहर है, आम की गर्मी, तो वो पानी में डाल देने से निकल जाता है। अब इसे पानी से निकाल कर छान लेंगे और इसे फैला देंगे सूखने के लिए। पानी से निकाल लेने के बाद आम को इस तरह से फैला देते हैं, और अगर घर में धूप आ रहा हो तो थोड़ी देर धूप में छोड़ दें, ये सूख जाता है। 1 घंटे में आम आराम से सूख जाता है, नहीं तो पंखे में भी आम आराम से सूख जाता है। आम खूब अच्छी तरह से सूख चुका है, इसमें जो भी पानी का अंश था वो सब अच्छी तरह से सूख चुका है। अब इसे एक बर्तन में रखेंगे। और इसमें नमक और हल्दी डालेंगे। मैं इसमें 1 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच नमक डाल रही हूँ। मैं इसमें जो भी चीज़ डाल रही हूँ वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। अब इसे अच्छी तरह से मिला लेना है, नमक और हल्दी को पूरे आम में। आम में नमक हल्दी को अच्छी तरह से मिक्स करके और अब इसे 1 दिन के लिए कपड़े से ढककर रख देना है। इस तरह से ढककर 1 दिन छोड़ देना है। अभी इसमें थोड़ा पानी छूट चुका है, इसे इस तरह से बीच बीच में पूरे दिन उलटते रहना है। आम को पानी से निकाल कर और इस तरह से कपड़े पर फैला देना है ताकि इसका जो पानी इसमें लगा हुआ है वो सूख जाए। मैंने नमक हल्दी डाल करके आम को छोड़ा था, 1 दिन के बाद आम से इस तरह से पानी छूट जाता है। आम के पीसेस को मैंने धूप में रखा है, शायद आप लोगों को ठीक से सुनाई ना दिया हो क्योंकि बहुत तेज़ी से कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं और इसी वक्त धूप आता है तो मुझे इसी वक्त डालना होता है, इसलिए मैंने अभी डालकर आप लोगों को दिखा दिया है। अभी उसे बस इतना ही सुखाना है कि उसके ऊपर का जो पानी है वो सूख जाए, और इस पानी को फेंकेंगे नहीं, इस पानी को रखेंगे और इसमें ही मसाला सानेंगे। जो अचार का मसाला होता है उसको इसी में सानना है। आम को सूखने छोड़ा है, जब तक आम थोड़ा सा उसका पानी सूख जाता है तब तक हम मसाला तैयार करते हैं। इसमें डालने के लिए हमें चाहिए होता है राई, अजवाइन, सौंफ, कलौंजी, मेथी, नमक और हल्दी। इसमें और नमक और हल्दी लगता है, और साथ ही साथ हिंग। और इसमें मैं सरसों के तेल से इस अचार को बना रही हूँ। अपने अपने क्षेत्र के अनुसार तेल यूज़ किया जाता है। हम लोग शुरू से इसमें सरसों का तेल ही डालते हैं। तमिलनाडु वगैरह में, साउथ में लोग तिल का तेल इस्तेमाल करते हैं, कहीं कहीं लोग ग्राउंड नट ऑयल इस्तेमाल करते हैं, तो उसके अनुसार तेल डालते हैं। सबसे पहले राई को छोड़कर इन सभी चीज़ों को थोड़ा गर्म करना है। कढ़ाई को गर्म करेंगे, उसमें मेथी डालेंगे, इसे थोड़ा सा भूनना है। इस तरह से राई को छोड़कर बाकी के चारों चीज़ों को थोड़ा भून लेना है। भून लेने से इसके मॉइस्चर ख़त्म हो जाते हैं, साथ ही थोड़ी सी ये सोंधी भी हो जाता है। सभी चीज़ों को भून कर रख लिया है, इसमें राई मिला देंगे और अब इन सब को ठंडा होने रख देना है। ये जब ठंडा हो जाएगा तब इसके पाउडर तैयार करेंगे। पाउडर बनाने वाला ब्लेड लगा देंगे और सूखे हुए पॉट में इसे डाल देंगे। ये ठंडा हो चुका है, इसे डालकर और पीस लेना है।
अचार का मसाला थोड़ा मोटा ही पीसेंगे, एकदम बारीक पाउडर नहीं बनाएंगे, थोड़ा इसको मोटा ही पीसना है। और अब इसे मिक्स करेंगे। पानी जो मैंने रखा था आम से निकला हुआ, उसमें इस पाउडर को डाल देंगे, साथ ही इसमें थोड़ा सा तेल भी डालेंगे। मैंने मिर्ची के पाउडर को भी थोड़ा सा गर्म कर लिया है, मिर्ची का पाउडर है एक्चुअली मेरे पास, तो मैंने इसे गर्म कर लिया है और गर्म करके अब इस मिक्सचर में डाल दूँगी। मिर्ची का पाउडर मैंने इसमें डाल दिया है और मैंने इसे चखा है, इसमें नमक की ज़रूरत है, तो मैं इसमें अभी एक चम्मच नमक डालूँगी और अब इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। उस वक्त नमक ज़रूर चख लेना है, नमक बराबर इसी वक्त करना है अचार के लिए, तो इसमें जितने नमक की ज़रूरत है डाल देंगे, जितने हल्दी की ज़रूरत है डाल देंगे। तरीका ये होता है कि जैसे ये आम का फांक है, इसके ऊपर मसाले को भरते हैं इस तरह से, मसाले को दबा दबा कर इस तरह से भरते हैं और इसे इसी तरह से सूखने छोड़ते हैं। इस तरह से आम में मसाला लपेटते हैं, सभी आम में मसाला को लपेटेंगे और धूप में सुखाएंगे, एक दो दिन इसे धूप लगाते हैं। अगर बहुत अच्छी धूप आ रही है तो एक दिन भी काफ़ी होता है। इस तरह से पूरे दिन धूप में छोड़ेंगे मसाला लगाकर, पूरे आम में मसाला को अच्छी तरह से लपेट देते हैं इस तरह से, और इसे सूखने छोड़ देते हैं। इस आम का स्वाद बहुत अच्छा होता है और ये आम का अचार बहुत जल्दी तैयार हो जाता है, क्योंकि इस तरह से जब हम इसे लपेट करके छोड़ते हैं तो भी आम मसाला के साथ धूप में पकता रहता है और गलता रहता है। किसी बर्तन में डाल करके वैसे नहीं, इस तरह से प्लेट पर या पेपर पर या किसी प्लास्टिक पर डाल दें और इस तरह से मसाला को ऊपर में लपेट कर और इसे सूखने छोड़। घर में जहाँ पर भी धूप आता है इसे इस तरह से रख देते हैं, अगर बाहर रखना हो तो थोड़ा ढक कर रखें। कढ़ाई में तेल को गर्म करेंगे, हल्का सा, बहुत ज़्यादा भी गर्म नहीं करना है, जितना तेल अचार में डलता है उसको थोड़ा सा गर्म करेंगे। तेल से जैसे ही धुआं उठने लगे स्टोव को बंद कर दें और इसमें थोड़ा सा हींग डालेंगे। करीब आधा चम्मच मैं इसमें हींग डालूंगी। अब इसे ठंडा करेंगे। एक दिन अगर खूब अच्छी धूप लग जाए तो आम सूख जाता है। आम के सूखने का मतलब ये नहीं कि आम को सुखा कर खटाई बनाना है, आम के ऊपर जो मैंने मसाला को लपेटा है वो सूख जाना चाहिए। मैंने आपको दो थाली में करके इसे दिखलाया था, जब सूख जाता है तो देखिए एक थाली में अरेंज हो जाता है। और इसे सूखने का मतलब जो एक्स्ट्रा मसाला मैंने इसमें छोड़ दिया था वो देखिए, वो भी गीला था, वो एकदम भुरभुरा हो जाएगा, सूख जाएगा। तो बस इतना ही इसे सुखाना है। बहुत अच्छी पूरे दिन धूप लग रही है तो बस एक दिन का धूप काफ़ी होता है इसे सुखाने के लिए। अब इसे तेल में डुबोएंगे। अब ये तेल ठंडा हो चुका है, इसमें आम का जो पीस है इसको इस तरह से तेल में डुबाएंगे और डुबा डुबा कर इसे बॉटल में भरकर रखते जाएंगे। ये बॉटल मेरी पहले से अचार की ही है तो मैंने उसे वैसे ही छोड़ दिया है, खाली हो चुका है, इसमें ही इस पीस को रखते जाते हैं। तेल में इस तरह से डुबोएंगे और इसमें रखते जाएंगे। इस तरह से अचार बना कर देखें, ये अचार बहुत जल्दी पक जाता है। बस इसे एक दिन के लिए धूप में रखना है, उसके बाद अचार बिल्कुल तैयार हो जाता है। इसे अब ज़्यादा धूप में रखने की ज़रूरत नहीं है, अचार आधा से ज़्यादा पक चुका है। इस तरह से सारे पीसेस को तेल में डुबोएंगे
और बॉटल में भरते जाएंगे। ये जो मसाला बच जाता है इसको भी तेल के साथ भिंगो देते हैं पूरे मसाले को। बचे हुए तेल में मैंने मसाले को भिंगो दिया है, अब इसे बॉटल में भर देंगे। इस तरह से बॉटल में भर के और रख देते हैं। चाहे तो एक कप तेल इसमें डाल सकते हैं, नहीं तो इसको तेल डालने की अब ज़रूरत नहीं है। ये ऐसे ही आराम से पक जाता है और कभी भी ख़राब नहीं होता। अब इसे अगर धूप दिखाना है, वैसे तो अब ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब अगर इसे धूप दिखाना चाहते हैं 1 से 2 दिन, तो इस तरह से कपड़ा को इसके ऊपर रख देंगे। चाहे तो इसमें कोई रबर बैंड डाल दें, नहीं तो इसे बांध देंगे कपड़े। इस तरह से कपड़े से बांध कर और इसे जहाँ से भी धूप आता हो घर में वहाँ छोड़ दें। बस 1 से 2 दिन, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है अब इसे धूप की। आधा से ज़्यादा ही अचार पक चुका है, उसके बाद आप इसे खा सकते हैं। 1 से 2 दिन आप इसे धूप लगा दें, दिखा दें, और उसके बाद आप इसे आराम से खा सकते हैं। ये बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। आप इस तरह से अचार बना कर देखें और इसमें एकदम बेफिक्र हो जाएं, ये अचार कभी ख़राब नहीं होता। कितने भी साल रख लें ख़राब नहीं होता है। मैं दूसरे तरीके से भी अचार बनाने का तरीका बतलाऊंगी, आप इसे बना कर देखें और अपने कमेंट्स हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो पसंद आती है लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।